लगातार बढ़ रहे साइबर फ्रॉड को लेकर सरकार द्वारा रोजाना लोगों को जागरूक किया जा रहा है, फिर भी साइबर फ्रॉड कम होने को नहीं आ रहा। नमस्कार, मैं हूं रमेश कुमार, आप देख रहे हैं जन आवाज पत्रिका। नारी शक्ति जागृति मंच द्वारा डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन सुषमा महाजन की अध्यक्षता में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन कठुआ में साइबर क्राइम पर जागरूकता अवेयरनेस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आए दिन साइबर क्राइम की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। इसी दौरान कई लोगों के बैंक अकाउंट हैक किए जा रहे हैं व कई लोगों को मेंटली हरास किया जा रहा है। इसी को लेकर क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इसी संदर्भ में आज नारी शक्ति जागृति मंच द्वारा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साइबर फ्रॉड से बचने के लिए कभी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। अपनी निजी जानकारी जैसे अपना आधार नंबर, अपना पैन नंबर, अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल्स या ओटीपी कभी भी किसी भी व्यक्ति के साथ शेयर ना करें। जैसे जैसे मोबाइल व इंटरनेट का उपयोग बढ़ता जा रहा है, उसी दौरान आए दिन क्राइम की हरकतें भी बढ़ती जा रही हैं। वहीं सरकार द्वारा इसकी रोकथाम के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं व कई प्रयास भी किए जा रहे हैं। वहीं लोगों को भी साइबर क्राइम के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। आइए देखते हैं जन आवाज पत्रिका की ये खास रिपोर्ट। सेकंड, आई विल लाइक टू शेयर अबाउट फेसबुक। फेसबुक की प्रोफाइल लॉकिंग ऑब्जर्वेशंस व्हिच आई ऑब्जर्व फ्रॉम योर साइड्स, माय टॉपिक इज 100% सुटेबल फॉर यू। रीजन बीइंग, इट्स फर्स्ट पार्ट इज द अवेयरनेस और साइबर क्राइम इज नथिंग और इट कैन बी अवॉइडेड इफ वी हैव अ प्रॉपर नॉलेज, इफ वी आर अलर्ट एंड इफ यू आर अवेयर ऑफ दैट थिंग्स दैट व्हाट इज गोइंग ऑन विद यू। आवर सोशल मीडिया इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर इन दीज डेज। नारी शक्ति जागृति मंच की तरफ से हमारे जिसके की चेयर पर्सन श्रीमती सुषमा महाजन जी हैं, उनकी तरफ से गवर्नमेंट कॉलेज डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन कठुआ में एक जागरूकता, साइबर जागरूकता के अंतर्गत एक कार्यक्रम किया जा रहा है, रादर एक अवेयरनेस लेक्चर है जिसके की रिसोर्स पर्सन श्री राजीव महाजन जी हैं। और जैसा कि हम सबको मालूम है, आजकल साइबर जो सेफ्टी है वो कितनी ज़रूरी हो गई हुई है। डेली हम इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में साइबर क्राइम्स की खबरें पढ़ते हैं, साइबर कभी फाइनेंशियल फ्रॉड्स का पढ़ते हैं, कभी हम देखते हैं कि आपके अकाउंट्स हैक हो गए हैं, कभी साइबर वारफेयर की खबरें आती हैं और कभी किसी और तरह की जो प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू साइबर क्राइम्स है वो देखने सुनने को मिलती हैं। और इसके लिए हमारे जो बच्चे हैं, आजकल की हमारी जो बच्चियां हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करते हैं, क्योंकि एक तो उनको पढ़ाई के लिए भी यूज़ करना पड़ता है, प्लस वैसे भी अदरवाइज़ भी वो बहुत ज़्यादा आजकल की जनरेशन इसको यूज़ कर रही है। मैं बच्चों को क्या कहूँ, हमारे बड़े भी आजकल एडिक्टेड हैं मोबाइल से, और कहीं ना कहीं जो हम मोबाइल के अलावा हम अपने लैपटॉप्स और जो हम कंप्यूटर्स भी यूज़ करते हैं फॉर वर्क, डेली ऑफिशियल वर्क, उसमें भी हम जुटे रहते हैं। और जब हम एक बार इंटरनेट से कनेक्ट हो जाते हैं तो हम साइबर क्राइम्स की जद में आ सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या सेफ्टी मेजर्स अपनाने हैं, क्या क्या सिक्योरिटी मेजर्स हमें लेने चाहिए, इन सब के बारे में हमारी नारी शक्ति जागरूकता मंच जी ने इस बात में पहल की और हमारे कॉलेज को इसके लिए चुना। मैं इनका बहुत ही धन्यवाद करती हूँ। मुझे मालूम है कि बहुत ही नारियों की जो एम्पावरमेंट के लिए है, नारी शक्ति की एम्पावरमेंट के लिए, महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए श्रीमती सुषमा महाजन जी कठुआ में ही नहीं पूरे जम्मू डिवीज़न में मशहूर हैं, बहुत काम कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि आज कल के इस प्रोग्राम से हमारे कॉलेज की बच्चियों को बहुत ही फ़ायदा होगा। धन्यवाद। महाजन, चेयरपर्सन नारी शक्ति जागृति मंच, जैसा कि हमारी संस्था पिछले 15 साल से जो है वुमेन की अपलिफ्ट के लिए कार्य कर रही है, और इसमें स्किल का, वुमेन एम्पावरमेंट का, उनके उत्थान के लिए हम दिन रात प्रयासरत हैं, और हमारी संस्था इसी के चलते, इन्हीं प्रयासों के चलते, पहले हम वुमेन डे सेलिब्रेट करते थे, उसके बाद हमने एंटी ड्रग डे सेलिब्रेट किया,
हरासमेंट पर हमारी संस्था वर्क कर रही है, जिसकी मैं डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में चेयरपर्सन हूँ और अन्य सभी डिपार्टमेंट में मेंबर हूँ। तीसरी बात, ये जो आजकल हमारा साइबर क्राइम पर जो है हमारी संस्था वर्क कर रही थी, उसके लिए हमने अवेयरनेस के लिए रिसोर्स पर्सन डॉक्टर राजीव महाजन जी, जो साइबर क्राइम से एडवाइजर हैं, और पूजा जी जो कि एग्जीक्यूटिव मेंबर है साइबर क्राइम की, इनको हमने बुलाया है अवेयरनेस देने के लिए। हमारा अवेयरनेस प्रोग्राम सुबह 10:30 बजे से 11:30 बजे तक जीएमसी कठुआ में थे, वहाँ पर प्रिंसिपल जो जीएमसी की है डॉक्टर अंजलि नादर भट्ट की अध्यक्षता में जो है हमने ये अवेयरनेस का एक लेक्चर कंडक्ट करवाया। और दूसरा हमारा प्रोग्राम वुमेन डिग्री कॉलेज में हो रहा है, इसमें हमारा मेन फोकस जो है बच्चों को अवेयर करना है। अगर हमारी पीढ़ी बचेगी, हमारियाँ बच्चियाँ और बच्चे बचेंगे, तो हमारा समाज बचेगा, और हमारे समाज को बचाने के लिए हमारी संस्था प्रयासरत है। और इसी प्रयास में एक कड़ी आज हमने साइबर क्राइम का अवेयरनेस का प्रोग्राम कंडक्ट करवाई है, जिसमें जहाँ की प्रिंसिपल वुमेन डिग्री कॉलेज की प्रिंसिपल संगीता नगारी जी, जिन्होंने हमारी बहुत ही हेल्प की, हमें अपना कैंपस दिया, ऑडिटोरियम दिया, और पूरे जो है अपने बच्चियों को प्रोवाइड करवाया लेक्चर सुनने के लिए। इसके लिए मैं कॉलेज की तहे दिल से धन्यवादी हूँ कि वो हमेशा हमें अपना जो है ऑडिटोरियम प्रोग्राम करने के लिए देते हैं, क्योंकि ये बच्चे जो हैं, ये बच्चे हमारा प्रोग्राम सुनेंगे तो आगे जाके ये मैसेज को कन्वे कर सकते हैं, क्योंकि ये एजुकेटेड बच्चे, यही हमारा आगे का आने वाला भविष्य है। हमारे भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हमारी नारी शक्ति जागृति मंच दिन रात प्रयास कर रही है।